ओके वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन एडजस्टमेंट्स से और वी आर डूइंग पार्टनरशिप कर रहे हैं ना, तो हाउ डू एडजस्टमेंट्स अफेक्ट दैट प्रीवियस जो बैलेंसेस होते हैं आप? तो लेट्स से कि पहले कि आपके बैलेंसेस गिवन है, ठीक है, और एक बैलेंस है आपका सेल्स और उसको हम कर लेते हैं 40,000 और विद सेल्स की वी हैव ट्रेड रिसीवेबल और उसको हम कर लेते हैं कि जी ये है हमारा 15,000। एडजस्टमेंट इज गिवन टू यू, वो देखिए आप, वो कह रहे हैं वन ऑफ द बिल्स ऑफ सेल्स ऑन क्रेडिट वॉज नॉट recorded ₹3,000 was not recorded। और मैंने आपसे कहा जब was not recorded होता है तो हम simple general entry pass करते हैं, तो अब जब इसकी हम general entry pass करेंगे तो वो हो जाएगा आपका trade receivable, debit हो जाएगा 3,000 से और आपका sales credit हो जाएगा 3,000 से, ठीक है जी। sales क्रेडिट और जो बैलेंस होता है सेल्स का वो भी क्रेडिट, क्रेडिट प्लस क्रेडिट आपके ऐड हो गए और इट हैज बिकम 243,000 और सेल्स बिलोंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो दिस नेट 43 विल गो इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3,000 से ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट बैलेंस होता है 3,000 और ऐड होके 18,000 हो गया और दिस विल गो इनटू योर बैलेंस शीट। ये इफेक्ट्स आपको दिखाने होते हैं इन योर एडजस्टमेंट्स कि नेट फिगर क्या बन रहा है एंड वेयर इट गोस। अब देखिए नेट बन के सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस से बिलोंग करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट से बिलोंग करता है, बैलेंस शीट में नेट फिगर अब आपका ये आ गया 18,000 का, ठीक है जी। ये आपकी नॉट रिकॉर्डेड है। अब इससे रिलेटेड जो है परचेज को हम डील करते हैं कि परचेज अगर हमने किए और उसको रिकॉर्ड हमने नहीं किया तो उसकी क्या एडजस्टमेंट्स में इफेक्ट्स होंगे। फिर अपने बैलेंसेस जो हैं वो उठाए हैं, इस दफा जो है वो हमने परचेजेस को उठाया और लेट्स से कि परचेजेस जो थी वो आपकी 100,000 थी, परचेजेस जो थी आपकी 100,000 थी और इसके साथ आपका जो ट्रेड पेबल था वो लेट्स से कि आपका था 15,000। एडजस्टमेंट आपकी कह रही है वन ऑफ द बिल्स ऑफ ट्रेड पेबल वॉज नॉट रिकॉर्डेड और वो है आपके लेट्स से के 3,000। अब अगेन was not recorded तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसकी सिंपल जनरल एंट्री पास करेंगे। जनरल एंट्री आपकी क्या होगी, जब आप क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं तो आपकी एंट्री हो जाती है परचेजेस डेबिट 3,000 से और ट्रेड पेबल लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई आपकी, ठीक है, तो आपका जो है ये ट्रेड पेबल आपका जो है क्रेडिट हो गया 3,000 से। अब इसके इफेक्ट हमने दिखाने, परचेजेस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है और यहाँ पे भी हमने डेबिट किया हुआ है तो डेबिट डेबिट जो है वो हमारा हो जाएगा ऐड, ठीक है, तो ये ऑल टुगेदर फिगर हो जाएगा हमारा 100 एंड
103,000 और purchases belong करता है हमारी profit and loss से, ये हमारे profit and loss account में चला जाएगा। आपने trade payable को किया है credit, trade payable credit, payable हमेशा credit होता है, ये credit और ये credit आपके add हो जाएंगे और ये हो गए आपके 18,000। पेबल जो है वो आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जो है वो आपकी कहाँ जाती है, बैलेंस शीट, ये आपके बैलेंस शीट में। दोनों इफेक्ट्स जो है आपके साथ साथ चल रहे हैं, दोनों इफेक्ट्स को आपने दिखा दिया, आपने कैसे एंट्री पास की, आपने कैसे इसको इफेक्ट दिया और कहाँ वो जाना चाहिए, आप वहाँ चले जाएंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सही आ जाएगा, आपकी बैलेंस शीट भी जो है वो टैली हो जाएगी। विदाउट एडजस्टमेंट्स के फिगर्स जो हैं उसको आपने प्लस और माइनस करना होगा, प्लस और माइनस करना होगा। लकीली इस दोनों में ये प्लस हो रहे हैं तो हमने इसको प्लस कर दिया। आगे हम एक्सरसाइजेस पहले कर चुके हैं, उसमें कभी डेबिट था क्रेडिट था तो हमने माइनस किया था, क्रेडिट था डेबिट था तो भी हमने माइनस किया था। रूल मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डेबिट डेबिट ऐड हो जाते हैं, क्रेडिट क्रेडिट ऐड हो जाते हैं, जैसे आप अपने मैथ्स में करते हैं, जो जितने माइनस माइनस के वेरिएबल्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, जितने प्लस प्लस के होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो इसी तरह आपके अकाउंटिंग में है कि प्लस प्लस, डेबिट डेबिट प्लस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, और फिर जहां उसको जाना चाहिए जिस स्टेटमेंट में उस स्टेटमेंट में वो चला जाएगा। अब हमें एक जो है वो ऐसी एडजस्टमेंट्स पास कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की, जो आप पहले कर चुके हैं कि हमारे पास जो है वो एसेट गिवन है और हमने आपको जो है कोई एस्टिमेटेड परसेंटेज बता दिया और उसका जो है मेथड बता दिया, तो वो आप पहले कर चुके हैं। इस दफ़ा हम ये कर रहे हैं कि आपके पास नॉन करंट एसेट है लेकिन फिर आपको 2-3 सालों के बाद दोबारा ज़रूरत पड़ गई एसेट्स खरीदने की, मशीन है फर्नीचर है दोबारा खरीदने की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर उसको कैसे हम डील करेंगे, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, वो अब हम आगे करने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास जो है पहले का फर्नीचर रखा हुआ है, ठीक है, और उस फर्नीचर की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 100,000 और उसका जो लास्ट इयर्स का एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है वो भी हम साथ में लिख देते हैं। वो हम सपोज कर लेते हैं कि जी वो है हमारा 15,000, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि हम ड्यूरिंग द ईयर खरीद रहे हैं, आफ्टर सम ईयर्स खरीद रहे हैं, तो उसका कैसे इफेक्ट होगा हमारे इन दो टाइटल्स के ऊपर। आपकी जो एडजस्टमेंट हुई है वो आपको कह रही है कि the start of new accounting year, ठीक है, some new furniture was bought for 20,000, ये एक आपको बता दें, और starting में, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि 10%
provision for depreciation was charged using method, देखना है कौन सा method है, straight line method. पहले तो हमने करना ये है कि जो 20,000 का आपने न्यू फर्नीचर लिया है, पहले हम उसकी सिंपल जनरेटी पास करेंगे. उसकी जनरेटी क्या होगी कि आपका फर्नीचर जो है वो डेबिट हो जाएगा 20,000 से. आपने लट से कि कैश खरीदा है तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से. ठीक है, अब पहले का फर्नीचर आपका रखा हुआ है, फर्नीचर होता है डेबिट, यहाँ पे डेबिट दोबारा हो गया आपका 20,000 से. तो 100,000 और 20,000 इस दफा का ऐड होके वो हो गया हमारा 120,000. ये आपके फर्नीचर की जो है एडजस्टेड फिगर आ गई. ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि 10% और साथ में आपसे कहा जा रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है कांस्टेंट होता है, उसके लिए कोई पहले के फिगर से हम माइनस नहीं करते हैं. तो अब हमारा टोटल आ गया 120,000. उसका हमने सिंपल 10% जो है वो मालूम करना है, वो हो जाएगा हमारा 12,000. इस 12,000 की हम एडजस्टिंग एंट्री पास कर लेंगे, जो पहले आपने बहुत दफा पास की भी है. ठीक है, वो एंट्री आप जब आप पास करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 12,000 से और आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका क्रेडिट हो जाएगा 12,000. ये आपने एंट्री पास की, एंट्री पास की तो अब इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं आपके जो पहले के आपके जो रखे हुए टाइटल्स. एक नया टाइटल आपका खुला, ये एक नया टाइटल आपका खुला, ये आपका कहाँ जाता है, ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में 12,000. लेकिन ये प्रोविजन पहले से रखा हुआ है आपके पास 15,000. प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट, और इस दफा भी आपने क्रेडिट किया है. ठीक है जी, तो 15,000 और आपके ये 12,000, ये ऑल टुगेदर हो गए आपके 17,000. ये 17,000 का नेट फिगर आपका कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका बैलेंस शीट. ये आपका एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया. डेप्रिसिएशन इस दफा आपका निकला 12,000, लेकिन 12,000 हमारा नहीं जाएगा क्योंकि पहले का भी हमारा रखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस. थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था क्रेडिट क्रेडिट ऐड हो जाते, आपने दोनों को ऐड किया तो सॉरी ये 27,000 हो गया. ये 27,000 जो है वो आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा. अब आप देख लें कि ये आपका नेट बन के चला गया, बीएस में चला गया. ठीक है जी, ये आपका बीएस में चला गया, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा, और ये चूंकि पहले से नहीं था तो ये अकेला आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा. इस वाले में आपने ये जरूर देखना होता है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, मेथड सॉरी कौन सा अप्लाई हो रहा है, उस मेथड के हिसाब से जो है वो हम जाएंगे. अभी मैंने आपको सिंपल कहा था कि स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड में हम जाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन का हमने निकाल दिया. अब मैं अगली वाली एडजस्टमेंट्स आपको करा रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा और जो है आपको टेक्निकली डील करना होगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि अब हम जाएंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में. तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपको पता है कि क्या होता है कि हम नेट बुक वैल्यू पे जो है वो जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो अप्लाई करते हैं.
किसके ऊपर? नेट बुक वैल्यू पे। तो अब नेट बुक वैल्यू जो है वो पहले हम देखेंगे कि क्या है, उसके आप ऊपर हम निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन की तरह वो कांस्टेंट नहीं होता, उसके लिए हमको जो है प्रोविजन में नहीं जाना पड़ता, लेकिन डिमिनिशिंग में हमें प्रोविजन में जाना पड़ता है, वो हम माइनस करते हैं जब जाके हमारी नेट बुक वैल्यू आती है। तो अब हम इसके बाद हम इसको कैसे डील कर रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। अभी हमने फिगर आपको वही रखे हैं, लेकिन आपकी एडजस्टमेंट हम अभी भी आपको जो है वो 10% दे रहे हैं, ठीक है, अभी भी हम 10% दे रहे हैं, लेकिन मेथड हमारा जो है वो इस दफा डिमिनिशिंग में होगा। आपसे कहा था कि मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने बहुत अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट करना है कि मेथड का मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन था तो इतना कॉम्प्लिकेशन इशू नहीं बन रहा था, अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आएगी वो ज़रा देखिएगा। पहले तो हमने लास्ट टाइम की तरह इस न्यू फर्नीचर को जो है वो हमने ऐड करना होगा, ठीक है जी। जब हमने लास्ट टाइम की तरह ऐड किया तो हमने फर्नीचर को जो है वो डेबिट कर दिया 15,000 से, और अगर कैश किया है तो हमने कैश को जो है वो क्रेडिट कर दिया 15,000। ये तो हमारी पहले बाइंग न्यू फर्नीचर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इसकी एंट्री हो गई। अब हमारे पास जो नेट फिगर आ रहा है पहले हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लास्ट टाइम 100 था, इस दफ़ा हमने 15,000 का और लिया, ये डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस, ये ऐड हो गया, तो अब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 115,000, ठीक है जी, ये आ रही है हमारी 115,000। कैश में जो इफेक्ट दिखाना है वो आप उसमें से माइनस कर देंगे। अभी हमने डेप्रिसिएशन की बात करनी है, 10% है हमारा, यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है हमारा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि आप नेट बुक वैल्यू से अपना डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं, रेट लगा लेते हैं, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 10%, ठीक है। लेकिन इसमें हमने एक कुछ और भी नया तो खरीदा है ना, तो उसको कैसे ट्रीट करना है उसको हम देखते हैं। ये 10% और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मैं रेज नहीं कर रहा क्योंकि यही हमारा पॉइंट है और यही इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। अब देखें, जब आप चार्ज करेंगे तो क्या करेंगे, ये पहले का रखा हुआ है और ये उसका जो है फॉर्मूला आया। फॉर्मूला डिमिनिशिंग का क्या है, ठीक है, उसका फॉर्मूला है आपका कॉस्ट माइनस
accumulated depreciation multiply by at the rate of percentage जो आपको given है। हमारा ये 1,00,000 पहले का रखा हुआ था, ये 1,00,000 हमारा यहाँ आया, माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका 15,000 था, 10% आपको दिया गया है, आप 10% मालूम करें, 100,000 में से 15,000 आपने माइनस किया तो आपके पास 85,000 नेट बुक वैल्यू आ गई, उसका आपने 10% निकाला विच इज इक्वल टू 8,500। ये तो आपका जो ओल्ड था उसका निकाला, अब न्यू का कैसे निकालना है आपने, न्यू आपने खरीदा है 15,000 का, कॉस्ट आ गई उसकी 15,000 की, माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये तो अभी नया लिया है ना, पिछले साल तो था नहीं, तो इसका जो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो नील है क्योंकि पिछले साल ये फर्नीचर था ही नहीं आपका, इसका आपने 10% निकाला तो ये क्या हो गया 15,000 का 10% आपने निकाला विच इज इक्वल टू 1,500। ये पॉइंट अच्छी तरह आप समझ लें कि जो हमारा पुराना वाला है उसका डेप्रिसिएशन हमारा निकलेगा नेट बुक वैल्यू पर, नेट बुक वैल्यू पर, ठीक है, ये आ गई आपकी नेट बुक वैल्यू। नए वाला पिछले साल था ही नहीं, चला ही नहीं, तो उसका एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा जो है निल आ गया। रेट आपका 10% दिया है, आपने 10% किया, 15,000 का ये फिगर बन गया आपके पास 1,500। अब जो एडजस्टिंग एंट्री पास होगी वो होगी आपकी इस टोटल अमाउंट से, इस टोटल अमाउंट से, ठीक है, और विच इज इक्वल टू 10,000 से। अब एडजस्टिंग एंट्री आपको पता है आप पास करते हुए हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर आपने 10,000 से डेबिट कर दिया और आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका चला गया क्रेडिट साइड, ये आपने एंट्री पास किया, प्रोविजन पहले का आपका रखा हुआ है क्रेडिट, ये आज फिर आपने किया क्रेडिट, इसको आपने ऐड किया 10,000 को, ये हो गया 25,000, ये आपका जाएगा बीएस में 25,000, ये नेट फिगर बन गया आपका, ये जो आपका निकला ये एक्सपेंस ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसकी एंट्री आपने पास की, इसकी नहीं की ऑल टुगेदर की एंट्री पास की है, ऑल टुगेदर ही है आपका जो ये पहले का रखा हुआ था प्रोविजन 15 और आज का ऑल टुगेदर जो बना दोनों को मिला के वो बना 10,000, आपने 10,000 किया क्रेडिट, पहले का क्रेडिट बैलेंस आज का क्रेडिट बैलेंस ऐड हो गया, ठीक है, ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में, यहाँ पे जाएगा बैलेंस शीट में, जब इस कॉस्ट में से आप ये निकालेंगे प्रोविजन तो फिर आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है कि आपने डिमिनिशिंग में कैसे ट्रीट करना है अगर पिछले साल का एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है तो, ठीक है, वो हमने आपको समझा दिया, इसको 2-3 दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि आपकी ज़रा ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि आपने जो है वो इसको कैसे ट्रीट किया है, ठीक है। मैं फिर आपको समझा देता हूँ कि आपने पहले जो बाय किया आप उसकी सिंपल एंट्री पास कर दें क्योंकि आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, जब नॉट रिकॉर्डेड का वर्ड होता है तो हम सिंपल जनरल एंट्री पास करते हैं, हमने सिंपल जनरल एंट्री पास कर दी, ठीक है। जब फर्नीचर यहाँ पे हमने डेबिट किया, फर्नीचर पहले का डेबिट होता है, हमने आज उसको और डेबिट कर दिया तो वो ऑल टुगेदर उसकी वैल्यू आ गई 1,15,000, ये एक पॉइंट ख़त्म हो गया आपका। आपसे कहा जा रहा है कि आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज़ करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज आपको 10 दी हुई है। अब इसमें करना क्या है,
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहले डिस्कस किया, दोबारा बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये आपका था, ये था पुराना, तो पहले ये पुरानी कॉस्ट आ गई और इसी का एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 15,000, वो आपने माइनस किया, आपके पास आ गई उसकी नेट बुक वैल्यू 85,000। 85,000 का वो कह रहे थे 10%, आपने 10% निकाला, वो आया 88,500। फिर आपने इस अकाउंटिंग ईयर के पहले दिन स्टार्टिंग में आपने नया फर्नीचर खरीदा, वो नया फर्नीचर था आपका 15,000 का, ठीक है। जब उसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो सेम फार्मूला होगा, फार्मूला सेम है, कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ परसेंटेज। यहाँ पे ये नेल इसलिए आ रहा है कि पिछली दफा ये था ही नहीं ना, तो इसके लिए ये ईयर वन बन रहा है। ईयर वन में जो है वो आपका एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेल होता है, तो आपने नेल लिख दिया, 15,000 का 10% निकाला तो वो इज इक्वल टू 1,500 हो गया, ये ओल्ड का, ये नया का, ऑल टुगेदर आपका 10,000 आ गया। आपने 10,000 से इसकी सिंपल एंट्री पास कर दी। जब आपने एंट्री पास कर दी 10,000 से, तो अब हम यहाँ पे गए, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो था पहले का क्रेडिट, आज का क्रेडिट ऐड होके हमारा 25,000 बन गया, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो बीएस में जाता है, हम बीएस में इसको लेके चले जाएंगे। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। जब हम बीएस बनाएंगे तो बीएस में फर्नीचर का नेट फिगर हम ये लेंगे, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हम जो है वो ये वाला फिगर डालेंगे 25, और फिर जो नेट बुक वैल्यू होगी उस कॉलम में हम जाके इसमें से ये माइनस करके हम शो कर देंगे। बैलेंस शीट में आपको पता है तीन कॉलम होते हैं, कॉस्ट, फिर आपका डेप्रिसिएशन और फिर नेट बुक वैल्यू। तो आपकी कॉस्ट जो है वो ये आ गई, आपका डेप्रिसिएशन ये आ गया, माइनस करके आप थर्ड कॉलम में चले जाएगा, जो आपका फिगर आएगा गलबन 80,000 आएगा, जो भी आएगा 90,000, माइनस कर दीजिएगा 115 में से 25,000। यहाँ आपको ये याद रखना है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, स्ट्रेट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और होपफुली जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।